Hello, friends. What's going on? Good? Yes. I hope also that everything is going on very well with you and you are studying at your home properly. So, with this hope, welcome to online classes by SM Children Academy. As you know, myself, Tabassu Bardi, and today I have come to you with the next topic of your class 10th English. That is from the diary of Anne Frank. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है एंड इट्स नॉट अ सिंपल चैप्टर बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रैक्ट दैट इज टेकन फ्रॉम अ पर्सनल डायरी. आज का जो हमारा चैप्टर है ये एक नॉर्मल या जनरल चैप्टर नहीं है. क्यों? क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर है जो कि किसी की खास डायरी से लिया गया है. आप समझ सकते हैं जब डायरी राइटिंग हम करते हैं तो उसमें हम अपने स्पेशल इवेंट्स या हम अपनी कुछ स्पेशल फीलिंग्स उसमें शो करते हैं, है ना. तो वो हमारे लिए एक सीक्रेट होता है. आप कह सकते हैं कि डायरी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो शायद हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, है ना. लेकिन ये जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक जिनका नाम एनालिस मैरी एन फ्रैंक था उनकी पर्सनल डायरी से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है और उसको पब्लिश किया गया है. तो आज ये हम इसमें डायरी में जो हम बात करेंगे ये एन फ्रैंक के बारे में बात करेंगे जो कि एक ज्यूइश गर्ल थी. उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम हिटलर जो थे वो रूल करते थे. उस टाइम में हिटलर ही मतलब आप कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक किंग थे उस टाइम के. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ये जो हिटलर थे इनको नाज़िज़्म बोला जाता था. तो ये जिस भी नाज़िज़्मवाद को ये बिलोंग करते थे और जिसको ये फॉलो करते थे ये जेविश पीपल्स को पसंद नहीं किया करते थे. इसलिए जो भी जेविश पर्सन थे जेविश पीपल्स थे उन सबको क्या किया जाता था, एक कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में रख दिया जाता था. आप कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन सेंटर एक ऐसे सेंटर्स होते थे जहाँ इन जेविश पीपल्स को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता था. तो ऑलरेडी क्योंकि एन फ्रैंक भी एक जेविश फैमिली से बिलोंग करती थी तो एन फ्रैंक की जो पूरी फैमिली थी वो वहाँ उसमें कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में उनको ले जाया गया था. लेकिन जो जेविश थी वो रह गई थी. जेविश और उनके साथ के दो फ्रेंड्स थे जो एम्स्टर्डम में रह गए थे. तो इस डायरी में आज जो एन फ्रैंक ने डिस्क्राइब किया है वो सारे इंसिडेंट्स डिस्क्राइब किए हैं उन्होंने कि जब वो अकेली रह गई थी और जब उनका 13 बर्थडे आया मतलब जब वो वहाँ अकेली रह गई और बहुत सालों तक उस कॉन्सेंट्रेशन सेंटर मतलब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कॉन्सेंट्रेशन सेंटर ऐसे होते थे जहाँ पीपल्स को मेंटली टॉर्चर किया जाता था. और ये कहा जाता था कि जो भी जेविश सेंटर सॉरी कॉन्सेंट्रेशन सेंटर पहुँच जाते थे तो वहाँ से बच कर आना सबके लिए बहुत मुश्किल होता था. इट मीन्स आप मान लीजिए कि 90% लोग वहाँ से वापस नहीं आते थे. क्यों? क्योंकि उनके टॉर्चर को टॉलरेट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था जो कि हर इंसान के बस की बात नहीं थी. लेकिन इतने सालों के बाद काफ़ी सालों के बाद आई थिंक मैक्सिमम 10 ईयर्स के बाद जो पूरी फैमिली एन फ्रैंक की वहाँ थी उनमें से सिर्फ उनके फादर वापस लौट कर आए. एन फ्रैंक के सिर्फ फादर वापस लौट कर आए और जब उनका 13 बर्थडे था तो 13 बर्थडे में एन फ्रैंक के फादर ने उनको एक डायरी दी जिस डायरी में आगे चलकर एन फ्रैंक ने अपने सारे इंसिडेंट्स अपने फीलिंग्स और इमोशंस को उन्होंने अपनी डायरी में ही लिखा. और अब मैं आपको बताऊं कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी क्यों लिखी. क्यों? क्योंकि वो मतलब अपनी फीलिंग्स जो हैं जैसे हम अपने फ्रेंड से और अपने रिलेटिव से शेयर करते हैं वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाती थी. वो किसी से वो कह सकते हैं ना आप इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं थी कि वो किसी से अपनी बात कह पाए. अपनी बात कहने के लिए उन्होंने एक डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया था और वो ये सोचती थी. ऐसा नहीं था कि एन फ्रैंक बिल्कुल अकेली थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, उनके रिलेटिव्स थे, उनकी ग्रैंड माँ थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ये हेजिटेट करती थी अपनी बात कहने में. इसलिए वो सारी बातें उन्होंने अपनी डायरी में शेयर की और उन्होंने अपनी इस डायरी को उन्होंने फ्रेंड का नाम दिया और फ्रेंड का नाम उन्होंने लिखा अपनी डायरी का किटी. तो आइए हम जानते हैं कि एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में और क्या क्या डिस्क्राइब किया है. राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. हाँ, एन फ्रैंक कह रही हैं कि राइटिंग इन अ डायरी डायरी राइटिंग करना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था फॉर समवन किसी के लिए भी लाइक मी जो मेरे जैसा हो. क्यों? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव रिटन एनी थिंग बिकॉज केवल इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी भी डायरी नहीं लिखी थी बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू बी दैट लेटर ऑन नाइदर और नॉर एनी वन विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल.
सकती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती थी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी डायरी नहीं लिखी थी, बट मेन पर्पज़ ये था, मतलब जो डर था या एक स्ट्रेंज थिंग थी कि मेरे बाद या मैं जब इस डायरी को कोई पढ़ेगा तो क्या कोई इतना इसमें इंटरेस्ट लेगा कि 13-year-old स्कूल गर्ल की लिखी हुई डायरी को क्या कोई इतने ध्यान से या कोई क्या इसको ऑब्जर्व करेगा, क्या कभी इसको कोई रीड कर पाएगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, इस बात का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं राइटिंग इतना अच्छा लगता है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और ये मेरी एक ज़रूरत है, ये मेरी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो मेरे दिल पर बोझ है वो सारी बातें, वो सारी फीलिंग्स जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे दिल का जो बोझ है उसको इस डायरी के पेपर्स पर उतारने के लिए ये मेरी एक ज़रूरत है। इट मीन्स मुझे अपनी बात अपनी डायरी से जो मेरी फ्रेंड है उससे मुझे शेयर करनी है। और इसका एक दूसरा रीज़न और बताया उन्होंने, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ने ये भी बताया कि और वो ज़रूरत है क्योंकि पेपर जो है वो हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर के अंदर पीपल से ज़्यादा पेशेंस होता है। कैसे कह सकते हैं हम, जैसे अगर हम अपनी बात किसी से शेयर करें है ना, अपने फ्रेंड से, तो यही बात है कि वो हमारी बात सुनेगा और कभी कभी बोर भी हो जाएगा, शायद हो सकता है हमारी बातों में वो इंटरेस्ट भी ना ले, लेकिन जो पेपर है आप पेपर को जो भी लिख रहे हो, जो भी उससे उनका मतलब है, जो लिख रही थी वो शेयर कर रही थी, वो जो भी लिख रही थी वो बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी आप कह सकते हैं इग्नोरेंस के पेपर उसको टॉलरेट कर रहा था। इट मीन्स यहाँ उन्होंने इसलिए कहा है कि अगर हम पीपल से अपनी बात शेयर करते हैं तो हो सकता है मे बी उन्हें हमारी बात पसंद आए या ना आए, या हो सकता है वो हमारी उस बात को सीक्रेट ना रखें, लेकिन जो पेपर है वो पीपल से ज़्यादा पेशेंस होते हैं, पेटेंट होते हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ कहा है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर में पीपल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा पेशेंस होता है, वो सबकी बात ध्यान से सुन लेते हैं और किसी के लिए भी कंप्लेंट नहीं करते हैं, और ना ही वो कोई आर्ग्यू करते हैं, ना ही किस तरह की कोई कमेंट करते हैं कि आप ये बोरिंग है या इंटरेस्टिंग नहीं है, जो भी है पेपर एटलीस्ट ये उन्होंने माना कि पीपल से ज़्यादा आप कह सकते हैं जो पेटेंट है वो पेपर्स होते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, और ये जो मेरी बात थी, जो मेरी सोच थी उस वक्त और थी जब मैं फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चेन इन माय हैंड। मैं जब फील कर रही थी बहुत ज़्यादा, मैं निराश महसूस कर रही थी, अपने घर पर बैठी रहती थी, अपने हाथों को भी मतलब कहते हैं ना अपने चिन को अपने हाथों में लिए हुए, आप देखा होगा जब हम सोच में बैठे रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे हाथ हमारे चिन पर चले जाते हैं। बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं बिल्कुल बोर्ड थी, लिस्टलेस थी, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और बोर्ड, मैं मतलब ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं घर में रुकूँ या बाहर जाऊँ, एटलीस्ट मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुकी थी। आई फाइनली स्टेड हियर, आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और फाइनली मैंने ये ऑब्जर्व किया, मैंने ये देखा कि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल होते हैं, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोट बुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज आ डायरी, और तब से मैंने प्लान किया कि कोई भी मेरी इस डायरी को नहीं पढ़ेगा ग्रैंडली रेफर टू, जो रेफर की गई है एज ए डायरी, जिसको मैंने बताया कि ये मेरी डायरी है जिसमें मैंने अपने सारे सीक्रेट शेयर किए, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं एक अच्छा फ्रेंड मुझे नहीं मिल पाता तब तक मैं डायरी को अपना फ्रेंड समझकर अपनी सारी फीलिंग्स, हमारे मेरे दिल का जो बोझ है वो सब मैं इसमें शेयर करूँगी। इट प्रोबेबली वुडेंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और ये बिल्कुल भी मेरे लिए कोई भी एक असर नहीं होगा, मतलब जब मेरा एक नया फ्रेंड मिलेगा, जब तक मुझे मिलेगा, तो मेरे लिए जैसा एक फ्रेंड होता है वैसे ही मैंने इस डायरी को कंसिडर किया और अपनी सारी फीलिंग्स मैंने अपनी उस डायरी में लिख डाली। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और फिर मैं बता रही हूँ, वो आगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हैं। आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं उस पॉइंट पर आती हूँ दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने मुझे फोर्स किया टू कीप अ डायरी, डायरी लिखने के लिए, मैंने भी आपको इससे पहले बताया था, इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अनोन इन द वर्ल्ड, मतलब ये कह रही है कि बिल्कुल भी इस बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, ऑब्वियसली आपके भी होंगे, मेरे भी हुए थे, है ना, जब मैं 13-year-old की थी, तो कह रहे हैं कि जब हम 13-year-old के होते हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, और ये एक बहुत इम्पॉसिबल सी थिंग है कि हम अपने चाइल्डहुड में हमारा कोई फ्रेंड ना हो, तो ये उनके लिए बहुत स्ट्रेंज बात थी क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था। एंड आई एम नॉट, और
आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, मेरे पास एक मेरी सिस्टर थी जो 16 ईयर ओल्ड थी एंड दे आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। एंड मेरी फैमिली में कह सकते हैं आप 30 पीपल्स थे जिनको मैं फ्रेंड कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरी फैमिली थी, आंटी थी। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन उन सब के बीच में मेरा एक कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ होंगी तो वो कितना अच्छा टाइम होगा जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स। लेकिन वो कह रही है कि जब मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी तो मैं अबाउट किसी भी चीज़ के बारे में बात करती थी बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स, यानी एवरी डे की ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ, कहनी है कि मैं नहीं ला सकती थी टॉक बाई बात करने में एबल नहीं थी अबाउट एनीथिंग किसी भी चीज़ के बारे में बट ऑर्डिनरी एरी थी एवरी थिंग, यानी वो जो भी बातें करती थी कोई अपने फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस नहीं करती थी, ओनली ऑर्डिनरी बात चीज़ों के बारे में बात करती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम थी, सब मैं महसूस करती थी मैं कभी भी किसी से क्लोज नहीं हो पाती थी और यही मेरी मेन प्रॉब्लम थी कि मैं कभी किसी को अपने क्लोज नहीं कर पाई, ना ही मैं कभी किसी के क्लोज हो पाई ताकि मैं अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर पाऊँ। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइन इन ईच अदर, और शायद ये मेरी एक मिस्टेक थी, मेरी एक कमी थी कि मैं कभी भी किसी के साथ इंगेज नहीं हो पाती थी, कन्फाइन नहीं हो पाती थी। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कहनी है कि और दूसरे केस में अगर कहा जाए तो दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसी होती हैं और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, कह रही हैं कि वो सारी चीज़ें कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली वो इस लायक नहीं थी कि उनको मतलब चेंज किया जाए, मतलब हम जो अपनी बातें कह रहे हैं दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी मैं चाहती थी या जैसा हम चाहते हैं। This is why I have started the diary, और इसी वजह से मैंने डायरी लिखनी स्टार्ट की। मीन्स हम सभी के साथ ये प्रॉब्लम है कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है ना, तो वो यही कह रही है कि जैसा मैं चाहती थी या जैसा सोचती थी चीज़ें वैसी नहीं थी, इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन पीपल वुड डू बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। वो कह रही है कि मैं क्या करना चाहती थी, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में अपने फैक्ट्स को एक्सप्रेस करना चाहती थी। मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि सारे पीपल्स करते हैं अपने पर्टिकुलर इवेंट्स, अपने फीलिंग्स, इमोशंस सब इसमें वो शेयर करते हैं, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी फाइंड दैट, लेकिन मैं उन सबसे कुछ अलग करना चाहती थी। मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती थी लेकिन ऐसे जैसे मैं किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, ऐसे जैसे मैं अपनी किसी फ्रेंड से एक्सप्रेस कर रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और इसलिए मैंने अपनी इस डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया और मैंने उसको एक नाम दिया जो मैंने उसका नाम था किटी। मैं अब अपनी डायरी को किटी कह के एड्रेस करने लगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, इफ आई वर टू प्लंग राइटिंग इट वुड बेटर आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक। वो कह रही है कि जब तक कोई नहीं समझ पाएगा मेरी इस डायरी की किटी की कहानी को, जब तक मैं अपने बारे में कुछ ना बताऊँ, इट मीन्स जो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बारे में एक्सप्रेस करूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। मैंने वो सब अपनी फीलिंग्स इसमें एक्सप्लेन की है, एज मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मैं उसको नापसंद करती हूँ क्योंकि मैं अपनी फीलिंग शेयर करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने चूँकि इस डायरी में अपनी सारा जो मेरा जो चेस्ट का बर्डन है वो मुझे इसमें निकालना है, तो मुझे वो सारी चीज़ें इसमें मैंने शेयर की है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, वो कह रही है अपने फादर की अप्रिसिएशन कर रही है, कह रही है कि मेरे फादर जो है वो मोस्ट एडोरेबल फादर है इस दुनिया में, एडोरेबल यानी बहुत ज़्यादा प्यारे, मैंने जितने भी इस दुनिया में देखे हैं या मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अडोरेबल जो है वो मेरे फादर है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, उन्होंने मेरी मदर से जब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 ईयर्स के ओल्ड के ना हो गए और मेरी मदर 25 ईयर्स ओल्ड नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, उसके बाद बतानी है कि मेरी सिस्टर का जो जन्म हुआ वो 1926 में जर्मनी में हुआ फ्रैंकफर्ट प्लेस पर। I was born on 12 June 1929. और एन फ्रैंक अपने बारे में बता रही है कि मेरा जो जन्म हुआ, मैं जब पैदा हुई तो मैं 12 June 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही जब तक मैं केवल 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे फादर वहाँ से हॉलैंड आ गए 1933 में।
माय ब्रदर एडिट हॉलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर और मेरी मदर सेप्टेम्बर में मेरे फादर के साथ हॉलैंड चली गई व्हाइल मॉर्गेट एंड आई वाज सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर और मैं और मेरी सिस्टर जो मार्गेट थे उन्हें एकेन भेज दिया गया ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए इट मीन्स मेरे मम्मा और फादर जब मैं 4 साल की थी तो वो हमसे अलग हो गए मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और उसके बाद जब दिसंबर में मार्गेट भी हॉलैंड चली गई एंड आई फॉलोड इन फेबररी और मैं उसके बाद फेबररी में हॉलैंड चली गई इट मीन वो पूरी फैमिली वहाँ से हॉलैंड एमिग्रेट कर गए बट स्टेप बाई स्टेप Then I was flung down on the table as a birthday present for Margaret. जब मैंने डाउन टेबल पर देखा कि एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गेट मार्गेट का बर्थडे था तो उसका बर्थडे प्रेजेंट था आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल उस वक्त मैंने नर्सरी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल स्टार्ट किया था आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 और मैं वहाँ से जब मैं 6 साल की थी तब तक मैं वहाँ रही एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म और जब तक मैंने फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट कर ली थी यानी मॉन्टेसरी स्कूल से मैं फर्स्ट फॉर्म में आ गई थी इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर कोप्रेस द हेड मिस्ट्रेस और जब मैं 6 ईयर्स की थी इन द 6th फॉर्म में मैं जब आई तो मेरी जो टीचर्स थी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो थी मिसेस कोप्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड टू हर्ट ब्रेकिंग फेयरवेल और इस ईयर के लास्ट में मैं और मेरी हेड मिस बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि ये हमारी एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल थी अब हम आपस में बिछड़ने वाले थे तो यहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग लाइफ को डिस्क्राइब किया है एक्सप्रेस किया है इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन सो माय बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन कहनी है कि उसी साल 1941 में जब 1941 की गर्मियाँ थी तो मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो अचानक बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन भी होना था इसलिए जो मेरा बर्थडे था मेरा बर्थडे आया लेकिन वो बहुत ही लिटिल सेलिब्रेशन के साथ सेलिब्रेट किया गया कोई ज़्यादा उसमें इंजॉय नहीं किया गया ग्रैंड माँ डैड इन जनवरी 1942 और उसके बाद मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो 1942 जनवरी में एक्सपायर हो गई पास हो गई पास मतलब मर जाना चली जाना नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर ये कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कितना सोचती थी और उनको कितना प्यार करती थी दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन आया वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माँ स्कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट मतलब सबने इंटेंट किया बहुत इंटेंट ये इंटेंट किया गया ये एक कह सकते हैं इशारा था टू मेक अप फॉर द अदर्स मतलब सबके लिए मतलब एक सेलिब्रेशन था ताकि सब इंजॉय कर सके एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज इट अलॉन्ग द विद द रेस्ट इट मीन्स वो कह रही है कि मैंने अपनी ग्रैंड माँ के लिए एक अलग से कैंडल जलाई तो इससे शो होता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनसे मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल अटैचमेंट था तो देखिए यहाँ उन्होंने ये भी बताया है कि वो फैमिली में रह रही थी उसके बाद उन्होंने उनकी ग्रैंड माँ कैसे पास हो जाती है मतलब एक्सपायर हो जाती है सॉरी और वो कैसे उनको उसके बारे में उनको कितना प्यार करती है वो कैसे अपनी फीलिंग्स उन्होंने शेयर की द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 कह रहे हैं कि हम में से 4 आर स्टिल डूइंग वेल हम सब सही थे सही वर्क चल रहा था सब सही चल रहा था एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 2019 यानी 20 जून 1942 को वो मेरे लिए एक प्रेजेंट था एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी और ये मेरी डायरी के लिए एक सोलम डेडिकेशन था जो मैं अपनी डायरी को देने वाली थी इट मीन्स मैं अपनी डायरी उस दिन से मैंने अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट की और ये मतलब जो डायरी थी मेरा जब 13 बर्थडे था जब मैंने अपनी ग्रैंड माँ के लिए कैंडल जलाई तो तब मुझे एक प्रेजेंट दिया गया और वो जो प्रेजेंट था वो मेरी डायरी थी जो मुझे मेरे फादर ने दी थी अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब उसका 13 बर्थडे था एंड फ्रेंक का तब उसके फादर ने उसको एक डायरी दी तो ये वही बर्थडे था जब उसके फादर ने उसको 1942 में डायरी प्रेजेंट की डियरेस्ट किटी अब वो अपनी उस किटी के बारे में यानी जो डायरी है उसको उन्होंने एज ए फ्रेंड बना है उसको एक नेम भी दिया है किटी तो कह रही है डियरेस्ट किटी आई एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स अब वो अपने एक्सप्रेशन इसमें डिस्क्राइब कर रही हैं बता रही हैं कि पूरी क्लास वो अपनी स्कूल लाइफ को इसमें डिस्क्राइब कर रही हैं पूरी क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स क्वेकिंग का मतलब बोल चाल कर रहे हैं सब इधर उधर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं आपस में टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लास जो है वो डिस्टर्ब है द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी कैप्ट बैक वो कह रही है कि ये जो रीज़न था सब इतना जो इंगेज थे बातों में आपस में सब बातें कर रहे थे वो रीज़न ये था कि अब जो टीचर्स की फोर्थ कमिंग मीटिंग होने वाली थी इस बात को लेके कि नेक्स्ट क्लास में कौन प्रमोट किया जाएगा और कौन को उसी क्लास में रोक दिया जाएगा इट मीन सब जो मीटिंग होने वाली थी इसलिए सबके सब डिस्कस कर रहे थे कि किसको प्रमोट किया जाएगा और किसको डिमोशन मिलेगा यानी किसको रोक दिया जाएगा
हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, पूरी क्लास यानी आधे से ज्यादा आधी क्लास जो थी वो आपस में शोर लगा रही थी. जी एन एंड आई लाफ आर सैल्सली, जी एन उनकी फ्रेंड है एंड आई लाफ आर सैल्सली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे जो दो बॉय बैठे थे मैं और जी एन उन पर बहुत मतलब एक कैसे ना मजाक बनाने के तौर पर हंस रहे थे. सी एन एंड जैक्स हु हैव स्टेड द एंटायर होलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, वो कह रहे हैं कि सी एन और जैक्स जिन्होंने पूरी होलीडे अपनी इन सेविंग अपनी पूरी हॉलीडे जो उनकी सेविंग थी उन्होंने इन्हीं शर्तों पर खर्च कर दी. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, मतलब उनकी यही शर्त लगी रहती थी पूरे हॉलीडे भी कि तुम पास होने वाले हो. नो आई एम नॉट, मैं पास होने वाला हूँ. येस यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब आपस में यही कहते रहते थे कि मैं पास होऊंगा, वो कहता था नहीं मैं पास होऊंगा, कहते तुम प्रमोट हो गए मैं होऊंगा, मतलब ये सारा उनका कन्फ्यूजन चलता रहता था सी एन और जैक्स का. इवन जी एस प्लीडिंग्स ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, वो कह रहे हैं कि मेरी जो ब्लीडिंग ग्लैंसेज थी और मेरा आउटबर्स मेरा जो एंग्री बिहेवियर था वो भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि वो अपने आपस में बैठ लगा रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे. इफ़ यू आस्क मी, और अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, कह रही इफ़ यू आस्क मी, मेरे बारे में अगर पूछूँ या मैं अपने बारे में बात करूँ, तो दे आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक, कह रही है कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी क्लास जो है वो डमीज बन चुकी है. क्वार्टर ऑफ द क्लास जो है वो डमीज, डमी कह सकते हैं आप कि मतलब आपस में बातें करना और एक तरह से डमीज का मतलब है कि जो आपस में किसी की नहीं सुनते हैं ना, जो किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने डिस्कशन में बिजी हैं. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, और सबकी यही बात थी, सबके मुंह में यही थी, सब यही टॉकिंग कर रहे थे कि टीचर्स जो होती हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होती हैं इस दुनिया में, इस अर्थ पर. क्यों टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल क्यों कहा गया? क्योंकि वो ये सोचते थे, ये नहीं पता चलता है कि किसको प्रमोट करेंगी, किसको डांटेंगी, मतलब यहाँ टीचर्स को एक अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स बताया गया है कि ये नहीं पता चलता कि आखिर वो क्या करने वाली है, किसका प्रमोशन होगा और किसका प्रमोशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स बताया गया.